एक्चुअल में हमारी बस जो है ना वो लेट हो गई थी। यहाँ पर हमारी ट्रैकिंग है करीब 1.5 किलोमीटर ऐसा कुछ दिख रहा है गिरा वाटरफॉल। अभी जो हम जा रहे हैं कल सुबह ट्रैक के लिए अपने कैंप साइट पर। यहाँ पर पहाड़ों के बीच में हमारा कैंप साइट। कैसा फील हो रहा है आपको पहाड़ों में आकर? बहुत ही अच्छा। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कैंपिंग। ये है हमारा कैंप साइट पूरा। ये कैंप साइट है वो बहुत ही सुंदर सी जगह पे है एकदम पहाड़ों के बीच में। ओ भाई इस पे तो मीम बनता है। हेलो गाइस वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग्स। तो इस बार फिर से मैं सोलो निकल चुका हूँ और इस बार मैं जा रहा हूँ ट्रैकिंग करने के लिए। तो चलो चलते हैं ट्रैकिंग करने के लिए सह्याद्री को। तो मैं जा रहा हूँ कालसुबाई ट्रैक करने के लिए जो कि महाराष्ट्र का एक बहुत ही फेमस पिक पॉइंट है। तो चलो वहाँ पे चलते हैं। कैसे जाना है, क्या कैंपिंग करनी है, क्या प्राइस लगने वाली है, कैसे इंजॉय करना है, सब कुछ जाने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चलो चलते हैं इंजॉय करते हैं। सो इस बार हम जा रहे हैं इनविंसिबल के थ्रू कालसुबाई ट्रैक करने के लिए जो कि महाराष्ट्र का बहुत ही फेमस पिक पॉइंट है। और ये है हमारा पिकअप पॉइंट और हमारा डिपार्चर करीब 11 बजे का था पर हमारी बस हो चुकी थी लेट और ये आई करीब रात के 12:30-1 बजे और फाइनली हमारा डिपार्चर हो गया महाराष्ट्र के लिए। तो फाइनली 1.5 घंटे के बाद हमारी बस आ गई है और अब हम जा रहे हैं कलसुबाई ट्रैक के लिए। एक्चुअल में हमारी बस जो है ना वो लेट हो गई थी और करीब 1.5 घंटे के बाद यानी डिपार्चर हमारा था 10:30 बजे का 10:45 का और अभी 12:30 के अराउंड हो रहे हैं। सो सुबह पता नहीं कितनी बजे हम लोग पहुँचेंगे। Meanwhile, so, अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और हम लोग हैं ना अभी पहुंच चुके हैं मतलब रास्ते में और यहाँ पे लिया हमने स्टॉप मतलब कि सुबह फ्रेशन अप होने के लिए रुके हुए हैं और नाश्ता वगैरह करेंगे थोड़ा। और यहाँ पे मैंने कुछ नए दोस्त भी बना लिए हैं। प्रिंस हाय, पार्थ एंड विस्मय। सो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं गिरा वाटरफॉल पर। यहाँ पर हमारी ट्रैकिंग है करीब 1.5 किलोमीटर की। सो वहाँ पर ट्रैक करके हम लोग जा रहे हैं और यहाँ का कुछ एंट्री फीस भी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलो अभी तो यहाँ पर ट्रैक करके जा रहे हैं गिरा वाटरफॉल पर देखने के लिए और गर्मियों में देखते हैं वाटरफॉल होता है कि नहीं होता है, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर एंट्री फीस जो है वो है 10 रुपये पर पर्सन, मतलब ना के बराबर ही है, 10 रुपये पर पर्सन है। और उसके बाद आपको है ना 100 मीटर जितना का एकदम छोटा सा ट्रैक आएगा वो कंप्लीट करके गिरा वाटरफॉल तक जाना है। सीनरी बहुत ही बढ़िया लग रही है अभी तो, मतलब गर्मियों का सीज़न है इसलिए थोड़ा सा येलो येलो है, उतना ग्रीनरी नहीं है पर फिर भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है देखने में। और अगर आप मानसून के सीज़न में आते हैं तो फिर भाई क्या ही कहना है, रंग रंगीली लिया। जनता लोग आगे पहुँच चुके हैं, जनता नहीं वाटरफॉल तरफ जाने का रास्ता। आज नहीं है तो जैसा कि मैंने कहा कि गर्मियों का सीज़न है सो बारिश वारिश हो तो वाटरफॉल देखने को मिलता है पर बारिश वारिश है नहीं है तो ऐसा कुछ दिख रहा है गिरा वाटरफॉल। बारिश होता है तो उसी साइड से पानी गिरता है और बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। फेल हो गया। तो अभी गिरा वाटरफॉल पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद करीब 30 मिनट स्पेंड करने के बाद, यहाँ पे वाटरफॉल तो नहीं था, गर्मी ही गर्मी था, फिर बैठे थे और उसके बाद अभी फिर से जा रहे हैं वापस अपने बस में और वहाँ से जाएंगे कैंप साइट पर। अभी जो हम जा रहे हैं कलसुबाई ट्रैक के लिए तो हमारा जो कैंप साइट है ना वो सापुतारा में ही है।
सो फाइनली 11:30 बजे के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं अपने कैंप साइट पर। यहाँ पर पहाड़ों के बीच में हमारा कैंप साइट जो कि बहुत ही खूबसूरत है। चलो चलते हैं, देखते हैं अभी अंदर कैंप साइट में हमको किस तरीके से टेंट अलॉटमेंट होगा और कहाँ कहाँ रहना है, क्या करना है। बोलो। अच्छा बच्चा इजी है रे, बस इतलू जा तू अटलू के बाद अटू यार हारू विचारो कब तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं अपने कैंप साइट पर। कैसा फील हो रहा है आपको पहाड़ों में आकर? बहुत ही अच्छा। चलो बहुत बढ़िया, अभी तो खेल शुरू हुआ है, बाद में देखते कितना अच्छा। फ्रेंड्स गेट तो सारो देखा है, हम यहाँ पे चढ़ते हुए इंटरेस्ट को छाड़ियों ने खेल लिया है। हाँ चल चल अगर चल मैं इस बंदे का ब्लॉग खराब करता हुआ नहीं नहीं खराब नहीं कर रहा, तो कंटेंट ले रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ। और यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कैंप पिंचिंग। सो फाइनली हम लोगों ने अपना टेंट रेडी कर लिया है। टेंट पिंचिंग करने में थोड़ा टाइम लग गया, सो टेंट वेंट रेडी करके अभी हम लोग अंदर बैठ चुके हैं और अभी यहाँ पे सामान वामान ला के रख देंगे और फिर फ्रेशन अप होने जाएंगे, मतलब नहाने जाएंगे। तो ये है हमारा कैंप साइट, पूरा अलग अलग कैंप्स है और इधर है पहाड़। और वो जो ऊपर आपको दिख रहा है ना, ये है सापुतारा। हमको सापुतारा से कोई लेना देना नहीं है। और ये है हमारा कैंप, तैयार व्यार हो चुके हैं, नहा धो के फ्रेशन अप भी हो चुके हैं। एकदम बहुत ही बढ़िया ठंडा ठंडा पानी था, एकदम बढ़िया वाली फीलिंग आ रखी है अभी। और अभी हम लोग जा रहे हैं थोड़ा नाश्ता वास्ता करने के लिए, तो खाना वाना खाएंगे उसके बाद जाएंगे कहीं घूमने के लिए। सो बेसिकली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर अपने सापुतारा कैंप साइट पर और यहाँ पर हमारा बेस कैंप है। कल नहीं मतलब आज रात में ही 2:30 बजे हमको ट्रैकिंग शुरू करनी है कलसुबाई ट्रैक की। अभी कलसुबाई ट्रैक क्या है, तो कलसुबाई जो ट्रैक है वो है यहाँ का जो सबसे महाराष्ट्र का सबसे हाईएस्ट पीक है वो है, तो उसी को ट्रैक करने के लिए मैं आया हुआ हूँ। अब यहाँ पे हुआ ऐसा है कि यहाँ पे दो ग्रुप के लोग हैं, एक जो सिर्फ सापुतारा घूमने आए हैं जिनको गवर्नर हिल चढ़ना है, और हम लोग करीब 6 लोग ही हैं जिनको चढ़ना है कलसुबाई ट्रैक। तो हम लोग 6 लोग हैं और वो भी अलग अलग हैं। तो मेरी जो कैंप में जिनके साथ मैं रुका हुआ हूँ मेरे कैंप के अंदर, वो लोग तो यहाँ सापुतारा के ही हैं, मतलब सापुतारा की ट्रैकिंग करने आए हैं, और मुझे करनी है ट्रैकिंग कलसुबाई की। तो ऐसा है यहाँ का माहौल। और कैंपिंग जो यहाँ की कैंप साइट है वो बहुत ही सुंदर सी जगह पे है, एकदम पहाड़ों के बीच में है। और यहाँ पे ना आप बारिश के सीज़न में आते हो तो मतलब बेस्ट सीज़न होता है यहाँ पे आने के लिए बारिश का सीज़न, क्योंकि सब हरा हरा हो जाता है। So, अभी हम लोग मतलब कैंप साइट पर हैं और वो कैंप साइट में आपको पूरा टूर देने वाला हूँ, पूरी अपनी कैंप साइट का टूर देने वाला हूँ जो कि बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग पीछे देख ही सकते हो कितने बढ़िया बढ़िया पहाड़ दिख रहे हैं, और यहाँ पे गर्मियों का मौसम है इसलिए बहुत ही सुंदर सुंदर फूल वूल खिल रखे हैं। तो चलो मैं पूरी कैंप साइट आपको दिखाता हूँ कैसी है हमारी, ठीक है। तो ये है हमारी बस और यहाँ से है हमारी कैंप साइट का एंट्रेंस। देखो कितना सुंदर एंट्रेंस है, पूरा फूल वूल लगा रखा है। और इस साइड में ये मेरे मित्र लोग हैं जो फोटो खींच रहे हैं। प्रिंस कहाँ के राजकुमार हो आप? हम सब के रिलो के। अरे ओ भाई, इस पे तो मीम बनता है। और ये है पार्थ भाई, ये पार्थ अपनी और अर्जुन का दूसरा भाई। उसके बाद इधर से हमको जाना है ऊपर। तो इधर से है एंट्रेंस मतलब ऊपर जाने का। उस साइड में हमारा कैंटीन एरिया है, उधर खाना वाना हमारा लग चुका है, इधर हमारा बाथरूम है। खाना वाना लग चुका है, चलो आने है। इधर से आपको जाना है कैंप साइट के लिए। इधर से बढ़िया से सुंदर से इस गलियों में होके हमको जाना है कैंप साइट के लिए, और यहाँ पर है हमारा कैंप साइट पहाड़ों के बीच में। और यहीं से आपको दिख रहा है, यहीं से आपको दिखेगा सापुतारा, और वो रहा माउंटेन के ऊपर सापुतारा।
पर हमको उधर नहीं जाना है, हमको महाराष्ट्र जाना है कल सुबह ट्रैक के लिए। और ये पूरे सारे हमारे कैंप हैं, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। और वहाँ पे जो थर्ड नंबर का कैंप है वो हमारा कैंप है। तो ये था पूरा हमारी कैंप साइट का टूर, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अभी हम लोग जा रहे हैं लंच करने के लिए, खाना खाने के लिए, बहुत भूख लग रहा है। और फोन हम रख देंगे अभी चार्ज में, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे लंच वंच करने के बाद। A few inches later. So, अभी हमने खाना वाना खा लिया है। खाने में थी बढ़िया सी सब्जी, रोटी, दाल, भात, मतलब रेगुलर जो होता है वही। और छाछ, छाछ हमने एक्स्ट्रा भी भर लिया है। और अब आ गए हैं अपने टेंट में थोड़ा सा रेस्ट करने के लिए। तो चलो आराम करते हैं, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा रेस्ट की जरूरत। और ये है हमारा टेंट। और इस बार ना एक चीज़ अच्छी हुई है, इतने बड़े से टेंट में सिर्फ हमको तीन लोगों को ही रहना है, मेरे को, प्रिंस को, प्रिंस को और पार्थ को। सो अभी हम लोग खाना वाना खाने के बाद थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं अपने कैंप के अंदर आकर। और यहाँ पे हमको मतलब करीब एक डेढ़ घंटा मिला हुआ है आराम करने के लिए। उसके बाद हमको जाना रहेगा ट्रैकिंग के लिए, 3.5 किलोमीटर का समथिंग का ट्रैक है सनसेट पॉइंट देखने के लिए। तो अभी तो आराम कर रहे हैं, आराम आराम करके मिलते हैं आपसे ट्रैकिंग के टाइम पे। तब तक के लिए जय श्री राम।